नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर से जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल आरसीपी सिंह पर इशारों ही इशारों में बड़ा हमला बोला है। आरसीपी सिंह के इस बयान पर कि विशेष राज्य के दर्जे की खिड़की से बिहार को ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, ललन सिंह ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से कम कुछ भी मंजूर नहीं। जेडीयू के एकमात्र और सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं, उनके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि जेडीयू को विशेष राज्य के दर्जे से कुछ भी कम मंजूर नहीं। उसके बाद कौन क्या बोलता है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। संगठन का काम चल रहा है और प्रदेश के अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी पार्टी को सके संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और पार्टी संकल्पित है इस बात के लिए कि पार्टी के और नेता के, पार्टी एक है जनता दल यूनाइटेड, नेता एक है श्री नीतीश कुमार जी, तो पार्टी और नेता के प्रति जो समर्पित कार्यकर्ता है उनको संगठन में पूर्ण सम्मान, पूर्ण सभी जिम्मेवारी सबको दिया जाएगा। सर एक सवाल है सर कि सैदपुर हॉस्टल में आप सरस्वती पूजा के दिन गए हुए हैं, नारा लग गया था कि बिहार का सीएम कैसा हो ललन सिंह जैसा। लेकिन सरस्वती पूजा के में हम गए थे तो कोई एक आध को लड़का रहता है जो उत्साहित होकर बोल देता है, लेकिन इस सब बात जिसके दिमाग में आएगा, जिसका मानसिक संतुलन खराब रहेगा उसका ना, और मेरा मानसिक संतुलन अभी खराब नहीं हुआ है, मेरा मानसिक संतुलन सही है। पार्टी में नीतीश कुमार जी हम सबों के नेता हैं और हम सब लोग जो सुबह से शाम तक जो काम करते हैं वो अपने नेता को मजबूत करने के लिए करते हैं।